नवागत जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन पांडे ने प्रभार ग्रहण कराया। वहीं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी कृष्णा करुणेश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वह गाजियाबाद में एसडीएम एवं मुख्य विकास अधिकारी व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर तैनात रहे। मुख्यमंत्री ने कृष्णा करुणेश पर भरोसा जताते हुए अपने गृह जनपद का जिलाधिकारी नियुक्त किया, जिससे कि तेज तर्रार अधिकारी कृष्णा करुणेश जनपद का चौमुखी विकास कराने में अपना अहम योगदान दे सके, जिससे जनपद का चौमुखी विकास हो सकेगा। कृष्णा करुणेश तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं। अपने कार्यों की बदौलत गाजियाबाद में ही 3 पदों पर रहकर सरकार की मंशा के अनुरूप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीडीओ, वीसी गाजियाबाद के पदों पर कार्य करते रहे। कृष्णा करुणेश 2013 में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुशीनगर व जिलाधिकारी हापुड़ व बलरामपुर में कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब अपने उत्कृष्ट अनुभव को साझा करते हुए गोरखपुर को विकास के पद पर ले जाने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जनता दर्शन, IGRS पोर्टल, जमीनी विवाद व पारिवारिक विवाद के मामलों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। किसी भी फरियादी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर भेजकर मामले को निस्तारण करवाया जाएगा, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय संगत न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा, हर पीड़ित के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता, सीआरओ सुशील कुमार गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम कैंपियरगंज पंकज दीक्षित, एसडीएम गोला रोहित मौर्य, एसडीएम बासगांव दिग्विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा, अरे ऐसे साहब भी आप ही के बैठ जी जी वेरीफाई हो गया है ना कि हाँ पांडे पांडे ए सी एम फर्स्ट मैंने वेरीफाई सब मिला है। इसको साइन नहीं होगा वो हो गया है, मैं दे रहा हूँ। नहीं आप वाला नहीं, हमारा वाला है। इसमें सर बहुत सारे टिकट ऐसे हैं जिनकी बिक्री ऑलमोस्ट जीरो है। Thank you.
क्या कर लिया जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको समय से कंप्लीट करें, अगर कोई बाधा है तो उसको हम लोग मतलब उचित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान निकालें। बाकी जनता दर्शन है, जन सुनवाई है, जो स्कीम्स है वो पब्लिक तक पहुँचे और जो पब्लिक के ग्रीवांसेज हैं उसको हम लोग समय से रिड्रेस करें, यही हमारी प्रायोरिटी है। डेफिनेटली जो हर चीज़ का एक बॉटल नेक होता है उसको हम लोग चेक करेंगे, जो भी इश्यूज होगा उस पर बात करने से रिजॉल्व होगा एंड डेफिनेटली उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। मतलब निस्तारण एटलीस्ट दो जो मेरी अपनी भी है जो एक्सपीरियंस है, एक तो डिस्पोजल हो और क्वालिटी डिस्पोजल एटलीस्ट। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्कीम्स में मनी नहीं है, तो एटलीस्ट लाभार्थी या जो भी कंप्लेनेंट है उसको जानकारी होनी चाहिए कि उनको अगर किसी तरह का एप्लीकेशन या क्वेरीज है तो वो कब फुलफिल होगा। तो इस एंगल से वील वर्क इट आउट कि लोग मैक्सिमम लोग उससे संतुष्ट हो सकते। विल वर्क आउट मतलब जैसे जैसे शिकायतें आएंगी वैसे वैसे उसका निस्तारण करने का तरीका भी ढूंढा जाएगा जिसमें मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट। थैंक यू।